हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये क्रिजेंथेमम्स में कितने सारी बर्ड्स आई हुई हैं, भर के बर्ड्स आई हुई हैं। और ये वैरायटी छोटी है, इनको साथ लगाया था, ये भी साथ लगे थे। ये देखिए, ये थोड़ी बड़ी वैरायटी है, ये मैंने टब में लगाया था, इतने सारे हो गए देखिए। और वो भी थोड़ी बड़ी वैरायटी है, थोड़े टॉलर प्लांट्स हैं ये, बहुत छोटे छोटे हैं ये, थोड़े छोटे प्लांट्स हैं। और इनका मैं ट्रेलिस ये बना रही हूँ ताकि ये फ्लावरिंग अंदर ही अंदर करें इसके। वैसे तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मगर फिर भी एक बार थोड़ा सा ट्रेलिस मैं बना दूंगी। और ये देखिए, ये भी एक सेम वैरायटी है। कितनी फ्लावरिंग होगी इसमें, इतनी सारी बर्ड्स हैं। ये देखिए, अब ट्रेलिस बनाते हैं इसमें। ट्रेलिस में खाली ये करते हैं कि थोड़ा सा गाइड कर देते हैं पौधे को, ताकि वो। और ये स्टिक्स मैंने लास्ट ईयर की रखी हुई हैं, और इसको रखने का एक तरीका है, इसको अमरूद के पेड़ के से बांध के उसको हैंग कर देते हैं। अगर हैंग नहीं करते तो इसमें कई बार दीमक लग जाती है लकड़ियों में। ये और ये ज़्यादा टॉल नहीं होंगे, तो इनको छोटा ही रखा है। और इसके बाद इसमें नीचे की साइड ही लगाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा टॉल नहीं होने। और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर आने चाहिए। अगर ये थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे तो इसका एक और ये रस्सी की एक और लेयर बना दूंगी मैं ऊपर। बस ये देखिए, इसके अंदर है सब कुछ। ये अब ऐसे ही इसके भी बनाएंगे, ऐसे ही उसके भी बनाएंगे। ये इतने सारे गमलों में गुलदाउदी के क्रिजेंथेमम्स की स्टेकिंग हुई भी है। ये हम लोग के घर के पास एक मार्केट है गलेरिया, वहाँ पर ये गमले तैयार किए गए हैं विंटर्स में फ्लावरिंग के लिए। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र क्रिजेंथेमम्स के लिए है। ये है सरसों खली, इसको मैंने 3-4 दिन पहले सरसों खली को मैंने पानी में डिप करके रखा था फर्मेंटेशन के लिए। अब ये फर्मेंट हो चुका है, और मैंने डाला था 3-4 मुट्ठी सरसों खली, और उसमें पानी में घड़े में डिप करके रखा था। अब उसको निकाल के मैंने ये डाइल्यूट किया है, और हम लोग डाइल्यूट करके इसको अब हर पॉट में डालेंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र स्पेशली क्रिजेंथेमम्स के लिए बहुत अच्छा है, गुलदाउदी के लिए। इसको एटलीस्ट 3-4-5 बार जरूर डालिए, अलग अलग स्टेजेस में। अब हम लोग को ये क्रिजेंथेमम्स में चेक करते रहना है कि कोई मिली बग्स का अटैक या स्पाइडर माइट्स का या किसी चीज का अटैक ना हो, क्योंकि ये बहुत प्रोन होते हैं प्लांट्स, इनमें बहुत जल्दी अटैक होता है, क्योंकि ये बहुत टेंडर होते हैं। तो ऊपर से देखते रहिए कि इसमें मिली बग्स तो नहीं लग रहे,
टिप्स को स्पेशली। और अगर लगते हैं आपको दिखता है कहीं कि कोई कीड़े लग रहे हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे या वाइट कलर के, तो आप इनको थोड़ा नीम ऑयल ड्रॉप्स डाल के कुछ स्प्रे बॉटल में पानी में और थोड़ा सा लिक्विड सोप दोनों चीज़ें मिक्स करके थोड़ा स्प्रे कर दीजिए इसको अच्छे से, ताकि वो वॉश आउट हो जाए जो भी इन्फेस्टेशन जो बन। देखिए ये स्प्रे मैंने बना के रखा हुआ है, एक जगह दिखाती हूँ मैं आपको कि कहाँ इन्फेस्टेशन है। इसको ऐसे करके वॉश कर देना है बस, टिप्स को स्पेशली। यहां पर भी मेरे को लग रहा है, ये देखिए ये देखिए ये दिखा आपको ये वाला मिली बग, इसको क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा अगर है और पिंचिंग करनी है तो आप इसको पिंच भी कर सकते हैं। मैंने ये पिंचिंग इसलिए की क्योंकि इसमें अभी उसमें अभी बडिंग शुरू नहीं हुई है। ये देखिए ये वाला ये मिली बग है, अब इसके मतलब इसमें और भी होंगे। ये देखिए ये और एक है, ये देखिए कितने सारे हैं इसमें, तो इसको थोड़ा फिजिकली रिमूव कर दूंगी। ये देखिए मेरे हाथ में आ गया ये, यहाँ पर क्लीन कर देंगे इसको। ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और अगर आपको एंट्स नजर आए तो आप समझ जाइए कि ये मिली बग्स। इसको भी थोड़ा सा पिंच कर देती हूँ, ये देखिए इसमें भी था। तो आई होप आपको ये वीडियो अब केयर करने वाला क्रिसैंथेमम्स का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।